हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस एनक्यूटी 2022 के हॉल टिकट की। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं 2023 बैच पास आउट उनके लिए, जिन्होंने भी इन सेंटर अप्लीकेशन किया था, यानी कि इन सेंटर चूज किया था एग्जामिनेशन के लिए, आपका हॉल टिकट आ चुका है। तो आपको मेल आ गया होगा, आप जरूर से मेल देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको एडमिट कार्ड की लिंक दे रखी है, आप वहां से आपका एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में उस एडमिट कार्ड के अंदर आपको वेन्यू, टाइम और डेट दे रखा है, वो आप देख सकते हो, और उस डेट को आपको चले जाना है। मेरे केस में 19 अगस्त डेट है और दोपहर का 2 बजे का मेरा एग्जामिनेशन रहेगा, 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और वेन्यू यहीं पे ही अमरावती में। तो इस तरह से गाइस आपका इन्फॉर्मेशन आप एडमिट कार्ड में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो आप एग्जामिनेशन में जब जाओगे तब आपको एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी लेके जाना है, उसके ऊपर आपका फोटो अटैच कर देना है। देन आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, वो आप ओरिजिनल लेके जाइएगा। यहाँ पर COVID-19 का भी आपको ध्यान रखना है, तो उसके लिए डिक्लेरेशन दिया गया एडमिट कार्ड के अंदर, वो आपको फिलअप कर लेना है। देन आपका मास्क, सैनिटाइजर की बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी है, खुद का पेन लेके जाना है। तो इस तरह से आपको COVID-19 की बातें ध्यान में रखनी है। यदि आप COVID-19 के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको वो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे चेक होने वाली है। तो इस तरह से आपको बातें ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन चले जाना है। जिन्होंने भी इन सेंटर चूज किया था उनके लिए बातें मैं बता रहा हूँ। तो गाइस जरूर से आपका मेल चेक कर लीजिएगा, आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।